दोस्तों अगर आप एक्सेल यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसी भी ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगी। देखिए इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक कवर किया ना, वो लोग ढूंढते रहते हैं गूगल पे यूट्यूब पे, लेकिन वो मिल नहीं पाते हैं। तो काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन करते थे और मैंने भी बड़ी रिसर्च करके ये टॉपिक निकाले हैं, इनका सॉल्यूशन निकाला है। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपके बहुत काम आएगी। चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको मैं टॉपिक दिखा देता हूँ कि मैं कौन कौन से टॉपिक सिखाने वाला हूँ। सबसे पहला देखिए, यहाँ पर मैंने 6 शीट ली हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहली शीट में मैं ये बताऊंगा आपको कि भाई यहाँ पर हमारा डेटा है, डेट है, परचेज है और सेल है। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये हमारा जो डेटा पड़ा हुआ है इसमें मंथ वाइज टोटल यहाँ पर हमें सेल परचेज आ जाए, एक अलग चार्ट बन जाए, और वहाँ पर मंथ हर महीने का टोटल सेल का अलग, परचेज का अलग, क्लोजिंग स्टॉक अलग। स्टॉक शीट में बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि सर इस तरह से हमारी सेल परचेज पड़ी हुई है, स्टॉक कैसे निकाले हम ये बता दो, मंथ एंड में स्टॉक क्या होगा इसका वो आप बता दो। तो ये इस शीट में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा मैंने लिया है कि भाई इस तरह से नंबर्स लिखे हैं कुछ रैंडमली। अब यहाँ पर ये चाह रहे हैं जो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन है ना ग्रीन, अब मैं ये चाह रहा हूँ ये सारे ग्रीन एक साथ सेलेक्ट, कोई ऐसा शॉर्टकट पता चल जाए जिससे ये सारे ग्रीन एक साथ सेलेक्ट हो जाए। और क्या हो, वहाँ पर मैं केजीज लिखना चाह रहा हूँ, जैसे 2 किलो लिखना चाह रहा हूँ, ग्रीन में तो मैं किलो लिखना चाह रहा हूँ, और जो येलो है उनको ग्राम्स में मैं लिखना चाह रहा हूँ, जो ग्राम आ जाए, है ना। तो इसको आप वन क्लिक में कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं, जो कि काफ़ी लोग इसको बहुत लंबा टाइम लगाते हैं। अच्छा अगली शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमारी क्या है, यहाँ पर हमारी अप्रैल की सेल पड़ी हुई है, कोई भी कंपनी है उस कंपनी की सेल है, दिल्ली की ब्रांच है और एक उसकी मुंबई की ब्रांच है, और उसकी हर महीने की जो है ना शीट आती है हमारे पास, जैसे अप्रैल की शीट दोनों ने अपनी ब्रांचेज ने हमें भेज दी है, मई की शीट भेज दी है, जून की शीट भेज दी है, जुलाई की भेज दी है। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसका जो मंथली टोटल है एक अलग शीट में, नई शीट के अंदर यहाँ पर मंथ वाइज टोटल आ जाए, तो वो कैसे आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव फार्मूला लगेगा इसके अंदर, बहुत काम का फॉर्मूला है आपके। अगला हम चल लेते हैं यहाँ पर, ये पेट्रोल कन्वीनियंस है, बहुत सी कंपनी क्या करती है ना, जो उनके यहाँ फील्ड बॉय होते हैं वो पेट्रोल का कन्वीनियंस देते हैं कि भाई आपको 1.5 रुपये पर किलोमीटर मिलेगा, या 1 रुपये या 3 रुपये 4 रुपये जो भी है, तो उनके यहाँ प्राइस का चार्ट है कि भाई अगर 0 से 120 किलोमीटर आप चले तो आपको 2.75 रुपये का जो है प्राइस मिलेगा, आप उससे ज़्यादा चले तो 1.95, और 240 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक चले तो 1.75 के हिसाब से आपको पेट्रोल का जो है कन्वीनियंस मिलेगा। तो इस तरह से ये चार्ट बनाकर कंपनी रखती है अपने पास, और जो फील्ड बॉय होता है वो अपना किलोमीटर जब नोट कराता है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, यहाँ पर आप उसका रेट ऑटोमेटिकली इस चार्ट में से निकल के आ जाएगा, और कितना अमाउंट उसका बनता है वो पेट्रोल कन्वीनियंस जो है पेट्रोल कन्वीनियंस कह सकते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये रैंडम मैंने फिगर ले ली है, आपकी रिफिगर कुछ और हो सकती है ना। चलिए अगला हम ले लेते हैं, अगला मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। इसमें क्या होगा, यहाँ पर हमारे कुछ अमाउंट पड़े हुए हैं, अब यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि एक मिनिमम वैल्यू इसके अंदर कौन सी है वो यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने निकाल तो लिया मिनिमम मिन फॉर्मूले से, ये देखिएगा MIN, लेकिन यहाँ पर अगर इसमें कोई जीरो आ जाएगा, एंटर करते हैं जीरो करके, तो यहाँ पर जीरो मिनिमम आ जाएगा, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जीरो के ऊपर की वैल्यू आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर जीरो के बाद यहाँ पर एक एंटर करे ना, तो यहाँ पर एक आना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले से निकाला। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था तो मैं भी घूम गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मिनिमम क्या करता है, मिनिमम का जो फॉर्मूला होता है ना वो सबसे मिनिमम वाली वैल्यू लेगा, सबसे ज़्यादा जो मिनिमम वैल्यू है वो जीरो होगी, लेकिन हमें जीरो को स्किप करना है, जीरो से ऊपर की वैल्यू मिनिमम वाली लेनी है, ठीक है, वो कैसे करेंगे। चलिए अगला हम ले लेते हैं कि भाई ये है, यहाँ पर क्या है, कुछ नाम लिखे हुए हैं सेल्समैन के, उन्होंने जो सेल करी है उनके नीचे उसका अमाउंट आ गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे कि राजेश के कॉलम में ये अमाउंट पड़ा है तो यहाँ पर लिखा हुआ जाए राजेश, जॉन के कॉलम में लिखा हुआ है तो यहाँ पर जॉन लिखा हुआ जाए, पिंटू के कॉलम में तो यहाँ पर, मतलब जिस अमाउंट जो है ना जिसके उस कॉलम में पड़ा हुआ है उसका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, मैं मान लो इसको डिलीट करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी लिख देता हूँ, तो देखो सोनू आ गया, इसको डिलीट किया मैंने यहाँ पर लिखा, तो देखो पिंटू ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये फॉर्मूला हम कैसे लगा सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये 6 शीट है मेरे पास और ये आपके बहुत ही काम आएंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम स्टॉक वाले ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, डेट मैंने ली है और यहाँ पर देखिए मंथ वाइज है, अप्रैल के कुछ एंट्रियाँ डाली हैं, मई की कुछ एंट्रियाँ डाली हैं और जून की कुछ डाली हैं, ठीक है। इसी तरह से पूरे 12 महीने की हमने ले ली हैं, परचेज हमने ले ली है और सेल्स हमने यहाँ पर ले ली है। ये अमाउंट भी हो सकता है और ये क्वांटिटी भी हो सकती है, तो यहाँ पर मैंने एज ए क्वांटिटी मैं मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पर एक हम चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मंथ, और यहाँ पर हम ले लेते हैं
हमें चाहिए ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर हम लेते हैं परचेज, यहाँ पर सेल, यहाँ क्लोजिंग, यहाँ पर हमने क्लोजिंग स्टॉक लिया, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। चलिए अब मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम जो मंथ लिखेंगे, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मंथ लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा, ऐसे नहीं लिखेंगे अप्रैल 2020 या कुछ इस तरह से, लिखने का तरीका होगा 1/4/2020 इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद 1/5/2020 या इसमें 22 का डेटा है तो 22 लिखना पड़ेगा मुझे, 2022, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर फॉर्मेट, हमें फॉर्मेट में अभी आपको बताऊँगा, यहाँ पर पहले लिखता है 1/6। अब यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, यहाँ पर कस्टम में जाकर यहाँ पर हम इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पर मैं केवल शो करना चाह रहा हूँ मंथ और ईयर, तो 3 बार mm लूँगा मैं डैश और 4 बार yy, एंटर। तो यहाँ पर हमारे इस तरह से मंथ आ जाएंगे, इस तरह से आता ना ज़्यादातर चार्ट्स में लिखा हुआ, लेकिन अंदर से जो ये डेट है वो स्टार्टिंग की 1 तारीख से लिखी हुई है। इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा अभी, क्योंकि हम इस जब हम इसमें फॉर्मूले लगाएंगे ना वो तब आपके काम आएगा। इसी तरह से अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ पूरा 1 साल का डेटा, तो अप्रैल से हम ले लेते हैं मार्च तक, मार्च 2023 तक का। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक इसमें दिया नहीं है तो स्टॉक हम 0 डाल लेते हैं। परचेज, परचेज हम फॉर्मूले से लगाएंगे, सेल भी हम फॉर्मूले से लेकर आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक कैसा होता है, इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल, तो हमारी क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, एंटर कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू, अब ओपनिंग कौन सा होगा, ये हमारा जो क्लोजिंग था, यहाँ क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। अब इसको हम सिंपली ड्रैग कर लेंगे, तो ये तो चीज़ सिंपल है कि भाई ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ से आएगा, वो इस तरह से आ जाएगा। अब इसी तरह से इसका क्लोजिंग में ड्रैग कर लेता हूँ, ये ड्रैग मैंने कर लिया है, डबल क्लिक करके हम चेक कर लेते हैं, ये देखिएगा। तो ये दो फॉर्मूले तो सिंपल है, परचेज सेल कैसे आएगी वो देखिएगा। तो परचेज के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू सम इफ, सम इफ का फॉर्मूला लगेगा, ब्रैकेट स्टार्ट सम रेंज, अब ये कह रहा है किसका टोटल करना है, तो हमें टोटल करना है परचेज का, तो परचेज का कॉलम पूरा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। इसके बाद है क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज का मतलब हुआ कि जो रेंज आपकी डेट वाली है ना, तो हम वो ले लेते हैं, मतलब इस क्राइटेरिया के हिसाब से टोटल करना है, और फिर कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पर है क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया वन में क्या लिखा जाएगा, क्राइटेरिया वन में हम ये बताएंगे कि भाई जो ये डेट्स लिखी हुई है ना, इसमें 1 अप्रैल से बड़ी डेट जो भी है उसका हमें टोटल करके यहाँ पर दे, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का स्टॉक चाहिए ना हमें, परचेज सेल जो भी चाहिए। तो क्राइटेरिया वन में हम क्या देंगे, यहाँ पर हम देंगे 1 अप्रैल, और क्राइटेरिया टू में क्या आएगा, यहाँ पे आगे जा करके वहाँ पर आएगा 30 अप्रैल, ठीक है ना, जो भी लास्ट डेट होगी उस मंथ की। तो यहाँ पर हम इसको देंगे भाई क्राइटेरिया वन में, भाई 1 अप्रैल पर क्लिक कर देंगे। तो 1 अप्रैल हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में दी थी ना, मैंने बताया था 1 तारीख डालनी है, तो यहाँ इस वजह से हमने 1 लिखा था, ताकि हर एक की स्टार्टिंग डेट यहाँ से कनेक्ट कर ले। अब हमने देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल पर क्लिक किया तो क्या होगा, ये केवल 1 अप्रैल का ही टोटल करेगा, लेकिन हमें 1 अप्रैल से ग्रेटर देन की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर सिंबल देंगे। देखिए यहाँ पर ये ध्यान से लगाना पड़ेगा आपको, इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू भी हो सकता है क्योंकि 1 अप्रैल या 1 अप्रैल से ज़्यादा, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू हमने दे दिया है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और यहाँ पर एंड का सिंबल देंगे ताकि ये दोनों चीज़ें ज्वाइंट हो जाएं, समझ गया। तो यहाँ पर हमने इसको बताया कि भाई ग्रेटर देन 1 अप्रैल जो भी है उसका सम कर दे, इसमें से ढूंढेगा ये और यहाँ इसका टोटल कर देगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर कॉमा लगा लेते हैं, अगली कंडीशन हम इसको देते हैं कि भाई ये अब इसको स्टार्टिंग डेट तो दे दी, अब 30 अप्रैल भी देनी है, तो क्राइटेरिया रेंज टू है हमारी, इसी डेट के अंदर से कॉमा लगाएंगे। अब ये 30 अप्रैल ढूंढेगा, तो कैसे ढूंढेगा, तो हम इसको यहाँ पर एक और फॉर्मूला देंगे जो कि है ईओ मंथ। ईओ मंथ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी पहले, नहीं देखी है तो देख लेना, ईओ मंथ। तो स्टार्ट डेट हमारी है ये वाली 1 तारीख 1 अप्रैल, फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर हम दे देंगे 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये इस मंथ का एंड डेट निकाल देगा, यानी कि 30 अप्रैल निकाल, यहाँ पर 30 अप्रैल लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पर ग्रेटर देन दिया है उसी तरह से हम 30 अप्रैल से छोटी इसको बताएंगे कि भाई 30 अप्रैल से नीचे की डेट ले। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इससे पहले हम लगा देंगे वही इन्वर्टेड कॉमा में लेस देन और इक्वल टू ब्रैकेट के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और एंड का सिंबल देंगे तो ये जोड़ देगा, ठीक है। अब इसको मैं लास्ट में जा करके क्राइटेरिया रेंज टू हमारी पूरी हो गई है, क्राइटेरिया पूरा हो गया है, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और अब इसको हम एंटर कर देंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पर इसने क्या किया है, जो अप्रैल के मंथ के परचेज है उसका यहाँ पर इसने हमें टोटल दे दिया। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं, तो अप्रैल हमारी कहाँ से कहाँ तक है, ये देखिए यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी परचेज ही टोटल करते हैं, और देखिए 87638 और यह हमारा है 87638, समझ में आ गया। तो ये हमने अब इसी तरह से हम सेल्स का लगा लेंगे और इसको सिंपली ड्रैग कर देंगे,
तो चलिए हम सेल्स के लिए लगाते हैं, दोबारा फॉर्मूला समझ लिया, अगर समझ में नहीं आया तो इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट सम रेंज, सम रेंज है हमारी सेल वाली, तो यहाँ पर आएगी ना सेल, सेल का टोटल जिसका चाहिए सम रेंज वाला वो सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा करेंगे क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया हमारा यहाँ पर ये अप्रैल या मई जो भी मंथ है वो सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हम इसको देंगे भाई 1 अप्रैल से ग्रेटर देन की डेट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, और हम दे देंगे यहाँ पर एंड का सिंबल ताकि ये जुड़ जाए उसे 1 अप्रैल से, और यहाँ पर हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे तो ये 1 अप्रैल से ग्रेटर देन की डेट सर्च करेगा जो भी होंगी। फिर दूसरी कंडीशन है कॉमा लगाएंगे रेंज टू कौन सी है, फिर दोबारा से यही रेंज है क्योंकि इसी में डेट है, दोबारा इसमें सर्च करना है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब इस डेट के अंदर क्या ढूंढना है लेस देन मंथ एंड की जो डेट है, तो ईओ मंथ हमारा मंथ एंड की डेट निकाल लेता है, तो यहाँ पर हम लेंगे इन्वर्टेड कॉमा में लेस देन और इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में और एंड का सिंबल देंगे, और यहाँ पर हम दे देंगे ईओ मंथ, स्टार्ट डेट क्या है हमारी जो अप्रैल की है इस पर क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर हम दे देंगे 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे समिफ वाला और एंटर कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इसने अप्रैल की जो सेल्स की क्वांटिटी है वो यहाँ पर इसने बता दी है, यहाँ परचेज की क्वांटिटी आ गई थी क्योंकि हमने क्वांटिटी में ले रखा, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है कि सेल ज़्यादा है और परचेज कम है, तो यहाँ पर हम ओपनिंग भी ले लेते हैं कुछ क्या होगी, ये तो मैंने रैंडम एक फिगर ले ली थी, ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इसको ड्रैग कर लेंगे, इसको ड्रैग कर लेते हैं और इसको ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं, चलिए मई मैं जून की ले लेता हूँ, जून कहाँ से कहाँ तक हमारा ये है, तो जून की हमारी परचेज की क्वांटिटी कितनी है, ये 13 13 13, तो जून की हमारी परचेज क्वांटिटी ये रही, दिखे मैच हो गई ना, और इसी तरह से मैं सेल्स ले लेता हूँ, ये 13 26 67, तो ये आ गए 13 26 67, तो हमारी सेल परचेज मैच हो गई है मंथ वाइज जो हमारी ये आ चुकी है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि सर ये तो हम पाइवट टेबल से भी कर सकते थे, पाइवट टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की जो कैलकुलेशन है वो आप नहीं कर सकते, और बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर पाइवट टेबल्स में यही प्रॉब्लम आ रही है कि हम ओपनिंग और क्लोजिंग में मैनेज नहीं कर पा रहे उसको, तब ये जाके मैंने इसको फॉर्मूला सर्च किया और ये इसका सॉल्यूशन मिला है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो लोग एक्सेल को बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो मेरे एक्सेल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जाएंगे ना techguruplus.com पे, तो ये एक्सेल कोर्स है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुल जाएगा, और यहाँ पर आप कोर्स की डिटेल पहले चेक कर लेना कि इस कोर्स में क्या क्या सिखाया जा रहा है, ये पूरा कोर्स कंटेंट मैंने दे रखा है, चैप्टर 1 में क्या क्या है, 2 में क्या क्या है, ठीक है ना, और यहाँ पर लास्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको MIS रिपोर्ट्स का पार्ट मिलेगा, MIS रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ के स्क्रीनशॉट भी लगा रखे हैं, ये देखिएगा कि ये MIS रिपोर्ट डैशबोर्ड रिपोर्ट कैसे बनाए जाएंगी, सारा स्क्रीनशॉट तो मैं नहीं डाल सकता, कुछ कुछ मैंने डाल रखे हैं यहाँ पे। तो अगर आप एक्सेल को डीपली सीखना चाह रहे हैं तो मेरे एक्सेल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बीच बीच में कोई भी प्रॉब्लम आए कॉल करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ का सॉल्यूशन बता दो, समझ नहीं आ रहा, कोई ऐसी शीट हो सकती है आपकी कंपनी की जो आपको उसमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो बीच बीच में हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए हम बात कर लेते हैं अपनी अगली शीट की, चलिए यहाँ पर सेकंड पर चलते हैं, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो येलो कलर के सेल हैं या ग्रीन कलर के सेल हैं उनमें हम कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ किलोमीटर ऐड करना चाह रहे हैं, ग्राम्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे होगा, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कंट्रोल एफ करेंगे, ये वन क्लिक में बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल एफ करेंगे, आप कंट्रोल एफ जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर है चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल, ये बहुत कम आपने इसको यूज़ किया होगा, इसको यहाँ क्लिक करते हैं, अब ये पेंसिल बनी हुई आ जाएगी और ग्रीन पर कलर पर आप क्लिक कर देना, इस तरह से जैसे क्लिक करोगे तो इसकी फॉर्मेटिंग ही उठा लेगा। अब फाइंड ऑल कर देना, फाइंड ऑल करने से क्या होगा यहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाएगी, ये इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये पूरी लिस्ट आ गई ना, कंट्रोल ए जैसे करूँगा मैं यहाँ तो सभी ये सेलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट होंगे तो ये सेल भी सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इनको मैं इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया। यहाँ पर आपको करना है कंट्रोल के साथ 1 का बटन दबा लो या तो, या फिर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर फॉर्मेट सेल, इसका लॉन्ग तरीका है, और यहाँ पर कस्टम में जाना, यहाँ पर आप क्या करेंगे यहाँ पर लास्ट में जा करके स्पेस और इन्वर्टेड कॉमा में जो भी चीज़ लिखेंगे आप वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। मैं ले लेता हूँ KGs, और जैसे मैं ओके करूँगा तो सभी के अंदर किलो जो है ऐड हो गया, KGs ऐड हो गया, देख रहे हैं ना। इसी तरह से येलो में हम ऐड कर लेते हैं कंट्रोल एफ, और अब मैं इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल और येलो पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो येलो की फॉर्मेटिंग आ जाएगी। फाइंड ऑल करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, येलो सेल सेलेक्ट हो गए, इसको कट कर देते हैं और अब हम कंट्रोल वन कर लेते हैं, चलो ठीक है,
यहाँ पर कस्टम में जाकर लास्ट में स्पेस देंगे और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लीटर, लीटर ले लिया फॉर एग्जांपल, और इन्वर्टेड कॉमा में इसको आपको देना है। ओके करेंगे, सभी वैल्यू के साथ में जो है लीटर ऐड हो जाएगा। अगर फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा, फॉर एग्जांपल इसमें बॉर्डर हमने लगा दिया और इसमें नहीं लगाया, तो ये सिलेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग सेम होनी चाहिए सेल्स की। अगली फाइल पर हम चलते हैं, तीसरी फाइल है हमारी मंथली टोटल। पहले मैं शीट आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर है डेट्स, और डेट कौन सी है, अप्रैल मंथ की ही डेट है यहाँ पर केवल। सेल है हमारी दिल्ली ब्रांच की, मुंबई ब्रांच की, और यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल। इसी तरह से मई की है, जून की है, जुलाई की है, और पूरे साल की हो सकती है। हम अगली शीट में इसका टोटल करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले ले लेते हैं मंथ। तो चलिए मंथ हम हेडिंग डाल लेते हैं, मंथ है, और इसमें हम ले लेते हैं भाई सेल्स दिल्ली, सेल मुंबई, और टोटल इसको कॉपी कर लेते हैं सिंपल, राइट क्लिक एस वी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पेस्ट हो गई है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं अप्रैल के लिए, अप्रैल ए पी आर आई एल, अप्रैल। देखिए यहाँ पर जो आप मंथ के नाम डालेंगे, जो शीट के नाम होंगे ना, वही डालना आप उसी हिसाब से। अगर यहाँ ए पी आर लिखा हुआ है तो ए पी आर ही लिखना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इसको फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। ठीक है, अप्रैल लिख लिया, मई, जून और जुलाई, जो शीट का नाम है वो यहाँ पर आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में इसमें टोटल का एक रो डाल देते हैं, टोटल, और यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं, इसको यहाँ पर देना, और ऑल्ट के साथ इक्वल टू एंटर, इसको मैं कंट्रोल आर कर देता हूँ, और अब इसको कंट्रोल बी बोल्ड। कंट्रोल आर से क्या होगा, राइट को फिल हो जाएगा। अब मैं इसी तरह से माइक को कर लेता हूँ, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ऑल्ट के साथ इक्वल टू एंटर, और सेलेक्ट किया, कंट्रोल आर, कंट्रोल बी। इसी तरह से जून में टोटल, ऑल्ट इक्वल टू एंटर, और कंट्रोल आर कर लेते हैं, और कंट्रोल बी सेलेक्ट करके। ठीक है, इसी तरह से जुलाई में हम लगा लेते हैं। अब देखिए हम जाएंगे लास्ट वाली शीट में, और यहाँ पर हम लगाएंगे वी लुकअप, इक्वल टू वी लुकअप। यहाँ पर हम टैब दबा देंगे ना, तो ये पूरा फॉर्मूला अपने आप टाइप हो जाता है। लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है, तो मुझे ढूंढना है जहाँ पर टोटल लिखा हुआ हो, है ना, इन्वर्टेड कॉमा में हम देंगे टी ओ टी ए एल, जहाँ टोटल, फिर कॉमा लगाएंगे, टेबल अरे कहाँ पर ढूंढना है। अब जाएंगे हम अप्रैल की शीट में, और यहाँ पर हम इस टेबल को दे देंगे ये, तो टोटल ये इसकी बेस पे ढूंढेगा। टोटल वैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि जब वी लुकअप लगाते हैं तो वो कॉलम नंबर, पहले कॉलम की बेस पर जो है वैल्यू सर्च करता है, तो टोटल जो ढूंढेगा वो यहाँ इसके अंदर ढूंढेगा, ये फर्स्ट वाले में। ठीक है, इसके अंदर ढूंढेगा फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पर इसको टोटल ये मिल जाएगा, फिर कॉमा लगाएंगे। अगर टोटल मिल जाए तो क्या करें, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर है टू। देखिए डेट जो है वो पहला कॉलम हो गया, और जो सेल है, सेल दिल्ली की, वो दूसरा कॉलम हो गया, तो यहाँ पर हम कॉमा टू दे देंगे, और फिर कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर कह रहा है एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैच, तो हम यहाँ पर फॉल्स लिख सकते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, या फिर जीरो लिख सकते हैं, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हम जीरो लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर कर देंगे। तो जैसे ही एंटर करेंगे, देखिए इसने सेल की जो दिल्ली की जो सेल है अप्रैल की, वो उठा लिया यहाँ पर, 70-52-09, 70-52-09। ठीक है, अब इसी तरह से मैं मुंबई की भी ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी, और यहाँ टू की जगह थ्री, कॉलम नंबर थ्री उठा ले, यानी कि जो मुंबई की सेल है वो कॉलम नंबर थ्री के अंदर है। तो यहाँ पर आ गया 757,258 और 757,258, तो ये आ गया ना। और लास्ट वाले टोटल में तो मैं सिंपल ऐसे कर लेता हूँ, इक्वल टू दिस प्लस दिस, और एंटर इस तरह से। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा फॉर्मूला लग गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले की हेल्प से इसको ड्रैग करेंगे, और हमारी वैल्यू आनी चाहिए, अभी नहीं आ रही ना, तो कैसे आएगी, इसमें हम थोड़ा चेंजेस करेंगे। जो अप्रैल हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है वो हम देंगे इस रेफरेंस के थ्रू, शुरू वाले के, है ना, तो इसको हम डिलीट करेंगे और यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिखेंगे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और अब यहाँ पर हम इसका ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर करेंगे, और जो ये बी थ्री के बाद जो ये वैल्यू है ये वाली, इसको इन्वर्टेड कॉमा में करना पड़ेगा हमें। यहाँ एंड का सिंबल देंगे, इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे, और ये इस तरह से करेंगे, और जैसे एंटर करेंगे तो अब देखिए हमारी वैल्यू, इसको मैं ड्रैग करूँगा, अब ये वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली मंथ वाइज उठा लेगा। देखिए हम चलते हैं मई में, 75-29-22 है, तो मई का टोटल 75-29-22 आ गया। इसी तरह से जून का है 68-17-40, जून का है 68-17-40, जुलाई में 71-72-25, 71-72-25। ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से इसको हम करेंगे। इसी तरह से हम इसके अंदर भी अप्लाई करेंगे, ये जो अप्रैल है इसको डिलीट करेंगे, इसको ध्यान से आप समझिएगा, इसको हम क्लिक करेंगे अप्रैल को यहाँ से, है ना,
और इसके लिए हम इनडायरेक्ट लगाएंगे, इनडायरेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट और B3 के बाद एंड का सिंबल देंगे, और इसको बाकी जो पार्ट बचा है इसका इन्वर्टेड कॉमा में इसको हम क्लोज करेंगे और इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और अब मैं एंटर कर लेता हूँ और अब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये वैल्यू उठानी चाहिए इसको, और इसको भी हम ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, देखिए मई ले लेते हैं 7582 07, मई में 7582 07, तो सेल्स की वैल्यू इसने उठा ली ऑटोमेटिक। जुलाई ले लेते हैं एक बार 6792 40, ये जो फाइलें हैं ये सारी फाइलें आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैंने दिया है वेबसाइट का, क्लिक करेंगे वहाँ से आप जाकर इसको सारी फाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं और सारी सबके फॉर्मूला आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली शीट पर, यहाँ पर है हमारा पेट्रोल कन्वीनियंस। यहाँ पर देखिए डेटा समझा देता हूँ, डेट दी हुई है और यहाँ पर है किलोमीटर, हमारे फील्ड बॉय किलोमीटर नोट कराता है ना वो है, हम यहाँ पर रेट निकालेंगे और फिर निकालेंगे अमाउंट, है ना। प्राइस चार्ट ये दे रखा है, किलोमीटर इतने इतना चला तो ये प्राइस इसका पड़ेगा, 0 से 120 है 2.75, 120 से 240 है 1.95, इस तरह से। तो सबसे पहले हम जब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो हम इसकी वैल्यू नीचे से स्टार्ट करेंगे, इफ़ का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी और इसको उल्टा हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर 350 से 1000 किलोमीटर में 1.5 रुपया है, लेकिन अगर 1000 से ज़्यादा चला तो यहाँ पर वो वैल्यू डली नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ले लेता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, तो ग्रेटर देन हम ले लेते हैं 1000, अगर 1000 से ज़्यादा गया तो 1.4 का रेट आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ रह रही थी इसमें, चलिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट, अगर ये वाला सेल ग्रेटर देन है 1000 के, ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ ट्रू, अगर 1000 से ज़्यादा है तो क्या करें, ये 1.4 का रेट ले लें, 1.4, फिर कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ फॉल्स, तो यहाँ पर फॉल्स की कंडीशन आपको नहीं देनी है, यहाँ पर इसी को आपको लिख देना दोबारा से, फिर दोबारा से एक और इफ हम यहाँ पर लगाएंगे, इफ ब्रैकेट स्टार्ट फिर लॉजिकल टेस्ट वही, ये वाला सेल, इस वाले सेल पर क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन है अगर 350 के, क्योंकि 1000 के बाद है 350, 350 से ज़्यादा है यानी कि 350 से 1000 के बीच की वैल्यू यहाँ पर डालनी है, तो यहाँ पर है 1.5 रुपये का आपको प्राइस मिलेगा, तो कॉमा लगा के 1.5, ठीक है। तो दो वैल्यू में ट्राई कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एक और ब्रैकेट क्लोज हुआ और एंटर, तो यहाँ पर इसने बता दिया फॉल्स, यानी कि दोनों कंडीशन मैच नहीं कर रही हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ फॉर एग्जांपल 351 डालता हूँ, तो देखिए 1.5 रुपीज़ का प्राइस आ गया है, और अब मैं 1100 डालता हूँ तो यहाँ पर 1.4 का प्राइस आ गया। अब छोटी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला हम कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है, ये बहुत इजीली आपके समझ में आ जाएगा, इसको कॉपी किया मैंने नोट पैड में, मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ एंटर मारता हूँ मैं, और अब यहाँ पर इस वाले इफ से यहाँ पर एंटर मारता है इफ के बाद, है ना, ये जो दो ब्रैकेट हैं इसको भी मैं नीचे ले जाता हूँ, ये ऊपर का पार्ट अलग नीचे का पार्ट अलग, अब ये जो फॉर्मूला है इसको मैं कॉपी करूँगा, इफ या ये कर लो या ये कर लो एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर आप कॉमा लगाना और इसको कॉपी करके पेस्ट करना, 2 3 जितनी बार भी आपका कंडीशन है वो आप पेस्ट कर देना, तो यहाँ पर हमारे 1500 की वैल्यू का आ गया 1.4, 1000 से ज़्यादा है, 350 से 1000 के बीच है तो 1.5 रुपीज़ का प्राइस आ गया है। अब यहाँ पर 240 से 350, तो यहाँ पर डालेंगे 240, तो क्या प्राइस है, 1.75, है ना, और इसके बाद है 120, फॉर्मूला जो है ना इसमें उल्टा चलेगा, 120 से 240 है तो 1.95, ठीक है, और एक और बचा है 0 से 120, तो यहाँ पर हम दे देंगे कंट्रोल वी ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा होगा प्राइस 2.75, ठीक है। अब इसको ये आपके मैंने एक्सपेंड करके आपको बता दिया फॉर्मूला, और अब हम इसको देखिए इफ कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 बार हमारा इफ का ब्रैकेट क्लोज होगा, तो 2 बार तो हो गया, 2 3 4 5, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैं ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर भी कर सकता हूँ, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको फॉर्मूला अगर देखना है तो इसे थोड़ा नीचे ऊपर करना पड़ेगा, दिख रहा ना, तो मतलब वो एक लाइन में अलग अलग लाइनों में हो गया, लेकिन फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। अब मैं इसको जैसे ड्रैग करूँगा तो अब देखेगा कैलकुलेशन जो हमारी हो जाएगी, चेक कर लेते हैं भाई। पहली वैल्यू देख लेते हैं, ये वाली 1.5 वाली, तो ये देखेगा
350 से 1000 के बीच है तो डेढ़ का प्राइस, तो 350 से 1000 यानी कि 900 है तो डेढ़ का प्राइस आ गया। इसी तरह से 195 देख लेते हैं, 195 है कोई, ये वाला 132 आ गया, 120 और 240 के बीच में, तो 195 आ गया, 275 का प्राइस है कहीं, ये देखो 85 में 275 का प्राइस आ रहा है, तो ये इस क्राइटेरिया के अंदर आ गया 275। इसी तरह से ये जो इनकम टैक्स का स्लैब होता है ना, वो भी इसी तरह से काम करेगा, इसी तरह से फॉर्मूला उसमें लगेगा। तो बस अब ये प्राइस हमने दे दिया है, ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको अमाउंट निकाल लेते हैं, इक्वल टू दिस इंटू दिस, एंटर, और अब हमारा पेट्रोल कन्वीनियंस है वो इतना बना है, ये अमाउंट आ गया। बहुत से लोग कहेंगे कि सर नहीं, एक ही सेल के अंदर हमें निकालना है, तो आप क्या करना, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देना, जो मैंने आपको दिया था ये वाला, ये 1.4 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, किलोमीटर से, है ना, तो हर एक में इंटू किलोमीटर दे देना बस, इंटू ये वाला सेल, यहाँ पर भी इंटू ये वाला सेल, और यहाँ पर भी इंटू ये वाला सेल, सब में देना पड़ेगा, यहाँ पर इंटू ये वाला सेल, किलोमीटर से रेट की गुणा हो जाएगी, एंटर करेंगे, अब देखो अमाउंट यहाँ पर आ गया। अब ये वाला हमारा काम नहीं करेगा, इसको हम डिलीट कर लेते हैं और इसको ड्रैग कर लेते हैं, तो अमाउंट यहाँ पर भी आ सकता है, आप चाहो तो यहाँ पर लाना चाहो तो यहाँ ला सकते हो, या फिर यहाँ ला सकते हो, तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, आप ये शीट डाउनलोड कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन से और फॉर्मूला ट्राई कर लेना। अगली शीट हम ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पर मैंने बताया था कि भाई अगर इन वैल्यू में से कोई सी भी एक मिनिमम वैल्यू है लेकिन ग्रेटर देन जीरो हमें चाहिए, वो यहाँ पर लिखी हुई आ जाए, तो यहाँ पर देखिए सिंपल फॉर्मूला लगाया था कि इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, इक्वल टू मिन, मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें, और कहाँ से कहाँ तक के रेंज में चाहिए, इस रेंज में चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जैसे एंटर करेंगे तो मिनिमम वैल्यू इसमें जीरो थी तो जीरो इस तरह से आ गई, इसको मैं नंबर फॉर्मेट कर देता हूँ, जीरो आ गई ना, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इसमें मिनिमम वैल्यू थी 20, तो 20 आ गई, यहाँ पर एक थी एक आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई कहीं जीरो है तो जीरो से ग्रेटर देन वाली आनी चाहिए, देखो जीरो करा तो यहीं जीरो आ गया, तो यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला लगा लेता हूँ, इक्वल टू मिन, मिनिमम वैल्यू, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर इफ़ की कंडीशन देंगे, इफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट, अगर ये सारी वैल्यू में ग्रेटर देन जीरो है, कोई जीरो से बड़ी वैल्यू है, या हमें जीरो की नहीं चाहिए ना, जीरो से बड़ी चाहिए, कॉमा लगाएंगे, देन क्या करें उसी वैल्यू को उठा ले, तो अब कौन सी वैल्यू है हमें पता नहीं, तो पूरी रेंज हम इसमें देंगे, इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे इफ कंडीशन का, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे मिनिमम कंडीशन का, एंटर जैसे ही करेंगे अभी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फॉर्मूला क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो एंटर मारना है वो कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो अब क्या होगा ये, और इसको ड्रैग कर लेता हूँ, अब ये मिनिमम वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो देगा, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ जीरो है तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू वन दे रहा है, इसी तरह से मैं किसी और में ट्राई करता हूँ, चलिए यहाँ पर मैं देता हूँ 5, तो एंटर करेंगे तो 5 आ गया, लेकिन अगर मैं जीरो दूंगा तो यहाँ पर जीरो आएगा, लेकिन इस वाली में 5 ही रहेगा, जीरो करूँगा तो यहाँ पर, तो इसने सिंपल फॉर्मूला है मिनिमम का, लेकिन यहाँ पर इसने 5 ही रखा, यहाँ मैं अगर 2 देता हूँ तो यहाँ पर ये 2 ही देगा, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर एंटर डायरेक्ट नहीं मार सकते, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके ही आपकी वैल्यू यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, बहुत से लोग कह रहे थे कि सर जो आप YouTube पे वीडियो डालते हो हमें नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो क्यों नहीं आता है मैं आपको बता देता हूँ, आप क्या करना, आप जा करके ना मेरे चैनल पे दोबारा से, और यहाँ पर सब्सक्राइब जो है ना इसको अनसब्सक्राइब कर देना, पहले इसको अनसब्सक्राइब करना इस तरह से, दोबारा से आप सब्सक्राइब कर लेना, और इस बेल पे क्लिक करके यहाँ ऑल पे क्लिक कर देना, तो क्या होगा आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत से लोगों का नहीं आ रहा था, जो पुराने सब्सक्राइबर है ना उनका ये नोटिफिकेशन, ये जो ऑल है ना, ऑल पे क्लिक नहीं हुआ था, तो अब आपको पहले क्या करना है, अनसब्सक्राइब कर लेना, दोबारा सब्सक्राइब करके इस पर ऑल पे क्लिक कर लेना, तो आपको जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसके नोटिफिकेशन आएंगे प्रॉपरली। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप यूज़ करते हैं ना टेलीग्राम को, तो वहाँ पर आप सर्च करना, मेरा चैनल है टेक ग्रुप प्लस सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये ग्रुप आ जाएगा इस नाम से, ठीक है। या फिर आपको मैं URL भी दिखा देता हूँ, आप ये लिखें t.me/tech-group-plus, तो ये मेरा ग्रुप खुल जाएगा और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं हर वीडियो की नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना यूट्यूब पे वो उसका नोटिफिकेशन यहाँ डालता हूँ। कुछ काम की ऐसी चीज़ है जो मुझे यूट्यूब पे नहीं डाल सकता, कुछ PDF फाइल अपलोड करनी है, कुछ भी एक्सेल की फाइल है, तो मैं इस ग्रुप में डाल देता हूँ, तो लोगों को इसमें हेल्प मिल जाती है, ठीक है ना। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है ये वाला, यहाँ पर जो हमारी सेल अमाउंट पड़ी हुई है उसका नाम जो है यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ़ और इज नंबर का, क्या है, चलिए इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो जो भी नंबर है उसके ऊपर का नाम उठा के मुझे यहाँ पर दे दे, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है इस नंबर का, इस नंबर
इज नंबर, ये नीचे लिखा हो ना, जैसे मैं टैब दबाऊंगा तो ये टाइप हो जाएगा पूरा, ये सर्च करेगा अगर इसके अंदर कोई वैल्यू है तो ब्रैकेट के बाद यहाँ पर हम ये लिखा है ना वैल्यू, अब यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और अगर ये वैल्यू इससे मैच करिए तो क्या करें कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, तो ये वाला सेल उठा करके जो भी लिखा हो वो यहाँ पर दिखा दे मुझे, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, तो यहाँ पर मैं अगर नहीं मैच कर रहा तो ब्लैंक कर दो, ब्लैंक के लिए हम दो इन्वर्टेड कॉमा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो अब देखिए इसने यहाँ पर देखा कि वैल्यू है तो इसने उठा करके ऊपर वाला नाम यहाँ पर रख दिया, इसको मैं डिलीट करूँगा तो ये गायब हो जाएगा, या कुछ भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर इसका नाम दे देगा। लेकिन अभी हमने इसमें तीनों पे नहीं लगाया तो सेम फॉर्मूला हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा इसी के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जैसे मैं आपको नोटपैड में इसको कॉपी पेस्ट करके एक्सप्लेन किया ना, वो दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस फॉर्मूले को, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, पेस्ट करा ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, है ना। तो ये जो कंडीशन है ये वाली, ये हमारी है फॉल्स वाली, अगर नहीं मैच करता तो ब्लैंक आ जाए, इसलिए इसको हम नीचे कर देते हैं। अब हम इसको सिंपली यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट पेस्ट, है ना, चार बार है तो चार बार हम इसको पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें ये B3 और ये सारे सेल जो है बदलने पड़ेंगे, C3 और यहाँ पर कर देते हैं D3 और यहाँ पर कर देते हैं E, कॉलम E है ना ये वाला। इसके बाद यहाँ पर लिखा है B2, तो यहाँ पर हमने बताया ना B2 की वैल्यू उठा ले, यानी कि राजेश, C2, D2, E2 इस तरह से हम कर देंगे, C, D और E। तो ये सिंपल तरीके से मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको एक लाइन व्यू कर सकते हैं, डिलीट का बटन दबाएंगे ना सब ऊपर आ जाएंगे, ये देखो ज़्यादातर फॉर्मूले इसी तरह से आते हैं कि एक लाइन में होता है, तो ये बहुत इजीली आपके समझ में आ जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले को हटा के और ये पेस्ट कर देंगे और जैसे ही एंटर करेंगे एंटर, ये क्योंकि हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था इसलिए यस मांग रहा था, अगर हम ब्रैकेट क्लोज नहीं करते ना तो ये ऑटोमेटिकली ब्रैकेट क्लोज कर देता है। अब इसको ड्रैग कर लेते हैं। अब हाँ एक प्रॉब्लम और आ गई है कि इसको डबल क्लिक करें तो ये जो नाम है ये नाम ऊपर होना चाहिए था, ये वाला जो बॉक्स है जब भी तो ये नाम उठाकर देगा तो इसको हमें लॉक करना पड़ेगा तब ये फॉर्मूला काम करेगा। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, F2 करेंगे, ये जो B2 है, B2 C2 ये जो है, ये B2 है ना, यहाँ क्लिक करेंगे, F4 का बटन दबाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा, डॉलर लग जाएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये B2 है, इस पर क्लिक करना, F4 दबाना तो यहाँ लॉक लग जाएगा। इसी तरह से C2 लॉक करेंगे F4 से, और D2 F4 और E2 F4 एंटर करेंगे, तो जैसे ड्रैग करेंगे तो ये सेल कहीं हिलेंगे नहीं, ड्रैग करेंगे तो अब इसने नाम हमें प्रॉपरली उठाकर दे दिए हैं। अब मैं इसको पूरे को डिलीट करता हूं और अब देखिए यहां पर मैं राजेश में कुछ यहां डालता हूं, कोई भी वैल्यू तो दिखा देगा राजेश, इसमें डाल देता हूं, या गया जॉन इसमें डाल देता हूं, कुछ भी वैल्यू डालेंगे उसी का नाम दे देगा। लेकिन ये कंडीशन उसी के लिए है जहाँ पर एक रो में एक ही आदमी की वैल्यू भरी जाएगी, अगर मैं दूसरे की भी डाल दूंगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा किसका दूंगा, तो वो फर्स्ट वाले का ही देगा केवल। तो ये बहुत से लोगों की ऐसी कोई क्वेरी होती है तो इसलिए मैंने आपको बताया कि वो एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये कहा था कि भाई ये कैसे हो सकता है, तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से ये कर सकते हैं। ये देखिएगा, तो ये फॉर्मूला है, ये सारी शीट आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाकर के क्लिक करेंगे वेबसाइट खुल जाएगी, सारी शीट आप डाउनलोड कर लेना। तो बाकी अगर किसी को एक्सेल सीखना है डीपली बेसिक से एडवांस तक तो आप इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं कि भाई कोर्स में क्या है, कैसे कैसे। अच्छा पूरा जो कोर्स है वो डाउनलोडेबल है, वो डाउनलोड करके रख लेंगे, लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। तो ये सारे चैप्टर आप चेक कर लेना, ये चीज़ें आपको आती हैं या नहीं आती हैं, ये बहुत काम का कोर्स है। जो भी लोग ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए मैंने एक ज़बरदस्त ये कोर्स बनाया है, उनको अगर ये कोर्स कर लेते हैं तो उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है एक्सेल सीखने के बाद, ये चीज़ सीखने के बाद आपको एक्सेल में कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी मेरी हेल्प एंड सपोर्ट भी रहेगी आपको। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना और इस वीडियो को उसको शेयर कर सकते हैं, जो लोग एक्सेल में काम करते हैं किसी ऑफिस में काम करते हैं उनको आप इसको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनके भी ये वीडियो काम आ जाए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।